हिसाब से वो विजय माल्या हजारों करोड़ रुपए लेके जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, बैंकों के पास हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास दम नहीं है। गरीब जो है 40-40 हजार रुपए 50-50 हजार रुपए लिए तो रिकवरी एजेंट को जाकर वहाँ पर जूम करते हैं। कई उनके रिकवरी एजेंट के मिसबिहेवियर की वजह से, उनकी गुंडागर्दी, उनकी दादागिरी की वजह, वो माँ को लेकर जाने की वजह से वो औरत जो है एकदम मेंटली फ्रस्ट्रेट होके वो पॉइजन लेकर उसको अपने आप को खत्म करती। आप अगर रिकवरी एजेंट आपको फोन कर रहा है तो उनको फोन करने के टाइम पे उनको ये बोलिए, मैं फोन आपका रिकॉर्ड कर रही हूँ, फैमिली है, वक्त नहीं देखते, अगर आकर मेरी अगर इंसल्ट कर रहे हैं, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। वो यही कहूँगा कि आप अगर लोन देने की अगर आपके पास अगर ताकत है तो लोन लीजिए, अगर आप पेमेंट रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप लोन मत लीजिए। लोन अगर मिल रहा है तो लोन लेने के लिए आपको आगे पीछे नहीं सोचते, उसका इंटरेस्ट क्या है, बड्डी क्या है, कैसा रिकवरी होगा, हम नहीं सोचते, हम चैट करने के बारे में सोचना भी गलत है। पेमेंट है, देर तुरस्त होती है, देंगे आज नहीं कल देंगे, लेकिन देना है, देना दीजिए। आप ये छोड़ के गुजरात चले जा रहे हैं, बॉम्बे चले जा रहे हैं, हैदराबाद चले जा रहे हैं, गाँव को चले जा रहे हैं, शहर घर बदल रहे हैं, खाली सुबह 8 बजे से 7 बजे के दौरान अगर आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं तो इज्जत से घर को आ रहे हैं तो ठीक है, अगर उन्हें बदतमीजी से पेश आ रहे हैं तो किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अंदर कमरे में जाना, फोन करना, पुलिस स्टेशन को कॉल करके आप इत्तला कीजिए, या नहीं बोले तो हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग अगर नंबर आपको दे रहे हैं तो उनके नंबर पर कॉल कीजिए, वो पुलिस स्टेशन जाकर रिप्रेजेंटेशन देंगे। मजहरसन एडवोकेट साहब, जिस तरह से गुलबर्गा में आप देख रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस संघ ग्रुप लोन के ऊपर जिस तरह से एहतजाज हो रहे हैं, खवातीन परेशान हैं, लोन लेकर इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रही हैं, और जो रिकवरी एजेंट्स हैं उनकी तरफ से लगातार उनके ऊपर हरासमेंट्स के केसेस सामने आ रहे हैं, उनके ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है लोन को लेकर, इसमें किस तरह से उनको बचना चाहिए और क्या रास्ते हैं अगर ग्रुप रिकवरी एजेंट की तरफ से अगर उनको हरासमेंट हो रहा है? देखिए, जितने भी पहले तो मैं वो बात पर आने से पहले मैं तमाम लोगों को मालूम में इजाफा करना चाहता हूँ कि जो भी बैंक्स होते हैं, जितने भी बैंक्स हैं, वो लोगों में किस एक लोन की एक स्कीम होती है, अलग अलग मुख्तलिफ लोन्स हैं, क्रॉप लोन है, बिजनेस लोन है, एग्रीकल्चर लोन है, ये अलग 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 मुख्तलिफ, उसमें से एक ग्रुप लोन है। ये जो खवातीन जो लोन ले रहे हैं ये ग्रुप लोन के अंदर आते हैं, तो हर बैंक के अंदर ये स्कीम है। जितने भी बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, लार्ज कैपिटल, मिड कैपिटल और स्मॉल कैपिटल, ये अलग अलग बैंक्स के अंदर ये ग्रुप लोन की एक स्कीम है। वो स्कीम के तहत औरतों को एम्पावरमेंट करने के लिए बैंक के जरिए से कुछ महदूद करते हैं कि इतना अपने अपने बैंक से ग्रुप लोन देना बोलकर। तो उसी तरह से जहाँ जहाँ पर खवातीन जो ग्रुप बनाते हैं उसमें एक लीडर बनाते हैं, बनाने के बाद उनको 15,000 से 40,000, 50,000, 1.5 लाख तक का लोन उनको मिलता है। तो इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड अगर नहीं है तो इलेक्शन आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये मुख्तलिफ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ उनको देना होता है। तो सिक्योरिटी और श्योरिटी क्या होगी, वो 10 लोगों की जो ग्रुप है वही लोगों वो लोगों को ही श्योरिटी या सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाता है। अगर एक औरत अगर लोन नहीं भर रही है तो दूसरे ग्रुप लीडर को पूछते हैं या दूसरे पूरे ग्रुप को पूछते हैं, तो सिक्योरिटी उन्होंने लेना है, जो ग्रुप होता है तमाम के तमाम लोग उसको सिक्योरिटी लेना है। अब लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद उनको तमाम चीज़ें बताना चाहिए कि ये लोन में इतना इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट जो है सालाना 22 से 26% उसको पर एनम है, यानी एक साल के मोहलत के लिए अगर हम लोन ले रहे हैं तो 22% से 26% उसका इंटरेस्ट बड्डी होती है, इससे ज़्यादा एक्सेस भी नहीं ले सकते। ये उनका एज पर जो नॉर्म्स है, जो प्रिस्क्राइब्ड इंटरेस्ट है बैंक्स का 22% से 26% है, ये तमाम चीज़ें उनको बताना है। अगर नहीं करेंगे तो हम जो है आपको कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये तमाम जितने भी बैंक्स हैं लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद तो पेमेंट रीपेमेंट तो करना ही पड़ेगा। बड्डी देना और बड्डी लेना दोनों गलत है। अगर अमाउंट ले रहे हैं लोन लेने के बाद नहीं पेमेंट कर रहे हैं तो भी वो भी गलत है। लेकिन बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले लोगों को भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, डिफिकल्टीज होती है, करोड़पतियां रहते हैं, वो भी जो है लोन लेने के बाद टाइम पे जो है पेमेंट नहीं कर सकते, ये तो गरीब है।
अब गरीब अगर उनको फंड के लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, हस्बैंड बीमार हो जाता है या घर में कोई बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से वो टाइम पे लोन नहीं देते हैं। जब टाइम पे लोन अगर नहीं देते हैं तो ये बैंक्स वाले क्या करते हैं, एक रिकवरी एजेंसी को हायर करते हैं। बैंक क्या करते हैं, अलग अलग एजेंसी बैंक्स रिकवरी एजेंट्स को आउटसोर्स करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अथोराइजेशन लेटर देते हैं। अथोराइजेशन लेटर देने के बाद वो लोगों का काम क्या है, जो जो डिफॉल्टर्स हैं उनको एक लिस्ट दे, जाना है फला फला जगह जाके उनके पास से अमाउंट लेकर आके ये करना। तो हर बैंक के अंदर एक एनपीए बोल के एक सेगमेंट होता है। नहीं, एनपीए मतलब नॉन पेमेंट असेट। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। अगर एनपीए अगर ज्यादा अगर होगा, एनपीए मतलब जितना लोन अगर नहीं लेंगे, लोन अमाउंट को रिकवरी नहीं करेंगे बैंक से, तो वो इन्वेस्टर क्या करता है, वो एनपीए को देखकर बैंकों में इन्वेस्ट करता है। अगर जिस बैंक में एनपीए ज्यादा रहता है तो बैंक में वो इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर आगे पीछे सोचता है, जिसके वजह से ये बैंक्स के लोग क्या करते हैं, एग्रेसिव जाकर लोगों को वहां पर तकलीफ देके, हैरेसमेंट कर उनको मोलेस्टेट करके वो अमाउंट रिकवरी करने की कोशिश करता है। तो आपने सवाल ये किया कि अगर ऐसे कुछ लोग आएंगे घर पे, अगर वहां पर बदतमीजी से पेश आएंगे, वो लोग लोन के लिए वक्त नहीं देखेंगे, तो वहां पर कानून है, गाइडलाइंस भी है, पेनल लॉज भी है। अब आरबीआई के गाइडलाइंस क्या है, कुछ गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से ये करना है, किस तरह से अप्रोच होना है, रिकवरी एजेंट को किस तरह से अप्रोच होना है। रिकवरी एजेंट अपना अथॉराइजेशन लेटर बारोवर को बताना है, डेप्टर को बताना है कि मैं रिकवरी एजेंट हूं, ये बैंक से मैं आया हूं, पहले लेटर बताना हो। बताने के बाद उसकी टाइमिंग है उसके अंदर, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। 8 बजे से पहले नहीं आ सकते, 7 बजे के बाद नहीं आ सकते, ये टाइम लिमिट है। अगर इसके अंदर अगर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, पूछना तो वो भी पोलाइटली पूछना है, डिसिप्लिन के साथ, इज्जत के साथ पूछना है, क्योंकि इस मुल्क में हर शहरी हर सिटीजन की राइट टू प्राइवेसी है। मेरी घर में मैं अगर रहता हूँ, मेरी प्राइवेसी है, राइट, और मेरी इज्जत भी है। अगर कोई आकर मेरे फैमिली है, वक्त नहीं देखते, अगर आकर मेरी अगर इंसल्ट कर रहे हैं, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, अगर ऐसा बोल रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। वो आ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, तो पूछने का अंदाज सही रहना है, उसके लिए वक्त भी दिया गया है और किस तरह से अप्रोच होना है वो भी गाइडलाइंस दिया गया है। अगर ये वक्त को छोड़कर इम्प्रॉपर अप्रोच कर रहे हैं आपके साथ, तो उसके अंदर दो एक्ट, अलग अलग एक्ट है। एक तो एक्ट कर्नाटका मनी लैंडर एक्ट है, दूसरा जो है कर्नाटका प्रोहिबिशन ऑफ एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट एक्ट। सेक्शन 4 के अंदर अगर कोई आकर रिकवरी एजेंट आ रहा है, बदतमीजी से पेश आ रहा है और गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, जान की धमकी दे रहा है, फिजिकली आकर बोल रहा है या फोन करके बोल रहा है या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल रहा है, तो ये दोनों एक्ट के अंदर, इसमें सेक्शन 38 कर्नाटका मनी लेंडर एक्ट 38 के अंदर ऑफेंस है, और कर्नाटका प्रोहिबिशन ऑफ चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट एक्ट के अंदर जो है सेक्शन 4 के अंदर वो है। साथ ही साथ अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सॉरी इंडियन पेनल कोड, उसके अंदर जो पुराना एक्ट है उसके हिसाब से ही मैं बोलूंगा ताकि लोगों को आसानी से मालूम होगा। पुराने एक्ट के मुताबिक 506 लगता है, 504 लगता है उसके अंदर। इसके तहत आप पुलिस स्टेशन को जाकर वहां पर उनको एक राइटिंग में, अगर आपको कॉल अगर कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्डिंग कीजिए, वॉइस रिकॉर्डिंग अगर आपके घर पे आ रहे हैं बोले तो उनको वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, उसकी सीडी बनाइए, उसका पेन ड्राइव बनाकर कंप्लेंट के साथ लगाकर पुलिस स्टेशन को जाकर हम कंप्लेंट दे सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद हम कंप्लेंट ले जाकर देते हैं, पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं लेते, केस रजिस्टर नहीं करते। उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, बैंक में ग्रीवियंसेस रिड्रेसल एक नोडल ऑफिसर होता है हर बैंक के अंदर, उनको ले जाकर वहां पर रिटर्न में कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर उसके ऊपर वो कार्रवाई कर रहा है ठीक, उसके साथ ही साथ हम आरबीआई का एक अलग कंप्लेंट का एक रिड्रेसल ग्रीवेंस सेक्शन है, आरबीआई को हम डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं वो बैंक के खिलाफ। अगर हम आरबीआई को डायरेक्ट अगर कंप्लेंट करते हैं, अगर ये वायलेंस
गाइडलाइंस को अगर वायलेंट अगर करते हैं तो आरबीआई जो है वो बैंक के खिलाफ एक्शन लेगी, उनको जो लाइसेंस दिया गया लाइसेंस के रूल्स को वायलेट करे बोलकर उनके खिलाफ बैंकों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ पुलिस स्टेशन का हो गया रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल को बैंक को हम डायरेक्ट कंप्लेंट दे सकते हैं, ये दूसरा। और तीसरा कंज्यूमर फोरम एक्ट को भी हम अप्रोच हो सकते हैं, कंज्यूमर फोरम को भी हम एक कंप्लेंट दे सकते हैं, वहां पर हम जाने के बाद इस तरह से हमारे साथ पेश कर रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर कुछ भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो कोर्ट के अंदर हम प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट, उसका नाम, और जब भी आप अगर रिकवरी एजेंट आपको फोन कर रहा है तो उनको फोन करने के टाइम पे उनको ये बोलिए मैं फोन आपका रिकॉर्ड कर रही हूं, आप बात कर बात सही तरीके से कीजिए, बात आप बोलिए। उसके बावजूद भी अगर वो गाली दे रहा है तो वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो जब भी कोई भी औरत, कोई भी वो लोन लेने वाला बारोवर डेप्टर को अगर कॉल आता है रिकवरी एजेंट के जानिब से, तो वो एडवांस में उनको बोलिए मैं आपका फोन को रिकॉर्ड कर रही हूं, आप बात कीजिए क्या बोलना है बोलिए। तो ये बोलिए, बोलने के बाद आप आगे अगर बदतमीजी से पेश आ रहा है तो ठीक है, प्रॉब्लम्स तो होते हैं। लोन मैं यही कहूंगा कि आप अगर लोन देने की अगर आपके पास अगर ताकत है तो लोन लीजिए, अगर आप पेमेंट रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप लोन मत लीजिए, लोन लेंगे फिर परेशान होंगे। तो जाहिर सी बात है आज बेरोजगारी है, हमारे पास गरीबी है, पैसा तो होना ही पड़ेगा। आप जो है आसानी से लोन अगर मिल रहा है तो लोन लेने के लिए आप तो आगे पीछे नहीं सोचते, उसका इंटरेस्ट क्या है, बड्डी क्या है, कैसा रिकवरी होगा हम नहीं सोचते, हम एक आके बोल देते हैं लोन लेते हैं। यहाँ पर ग्रुप लीडर की भी बात हो रही है, 9 लोगों के साथ ग्रुप लीडर का भी प्रॉब्लम है, ग्रुप लीडर एक ही काम गलत क्या कर रहे हैं, वो लोग जो है जो एक एक मेंबर के पास से जो एडिशनल अमाउंट लेते हैं वो अमाउंट गलत है, वो अमाउंट नहीं लेना है। और दूसरा जो है उसके चार्जेस भी जो रहते हैं ना, प्रोसेसिंग फीस जो है उसकी मिनिमम प्रोसेसिंग फीस है, एक्सेस प्रोसेसिंग फीस भी अगर ले रहे तो उसके तरफ से भी हम कंप्लेंट वहां पर कर सकते हैं। एक्सेस प्रोसेसिंग फीस नहीं लेना, अगर 40,000 रुपये अगर लोन ले रहे हैं उसमें अगर 10,000 रुपये अगर तुम प्रोसेसिंग फीस लीडर को अगर पैसे दे रहे हैं, वो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को अगर पैसे दे रहेंगे, तुम्हारे को अगर 25,000 मिल रहे तो 10,000 रुपये तो वहीं जा रहे हैं, फिर उसका बड्डी होने के बाद 50,000-60,000 रुपये वो हो जाता है। तो लेने से पहले आप सोच समझ के लिए, पैसे मिल रहे हैं तो आपके दिमाग काम करना छोड़ेंगे, हाँ ठीक है लियो, हाँ ठीक है लियो, तुम कितने होना है 5,000 लियो, ऐसा लेके जरूरत रहती है क्या, सोचते नहीं आगे पीछे नहीं सोचते, लोन ले लेते हैं। तो आप लेने से पहले सोच समझ के बहुत ही केयरफुली लीजिए, हमारी कैपेसिटी जितनी है, हमारी ताकत जितनी है उतना ही हमको काम करना है। तो लोन लेने से पहले आप सोच समझ के लोन लीजिए। जिस तरह से अभी आप गुलबर्गा में अगर देखेंगे तो यही रिकवरी एजेंट के हरासमेंट के बेसिस पर कई सुसाइड केसेस भी हुए हैं, और हाल ही में एक सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है, इस पर क्या करेंगे, किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? एक यहीं पर श्री डॉन बोलकर एक गांव के अंदर गंगामा नाम की एक औरत KBS बैंक और अलग अलग मुख्तलिफ बैंक हैं उनके खिलाफ 306 का केस रजिस्टर्ड हो गया। एक औरत सुसाइड कर चुकी है, यही इसी की वजह से, यही उनके रिकवरी एजेंट के मिसबिहेवियर के वजह से, उनकी गुंडागर्दी, उनकी दारागिरी की वजह से एक औरत उसकी वो रिकवरी एजेंट क्या किया है उसके अंदर जो लोन लिए है उसको नहीं उसकी माँ को लेकर जाते हैं, तो वो माँ को लेकर जाने की वजह से वो औरत जो है एकदम मेंटली फ्रस्ट्रेट होके वो पॉइजन लेकर उसका अपने आप को खत्म करती है, और वो 6 लोगों के ऊपर केस रजिस्टर्ड होता है। तो ये यहाँ पर एक ये रिपोर्टेड ऑफेंस है, रिपोर्टेड सुसाइड है यहाँ पर गुलबर्गा शहर में, ऐसे अनरिपोर्टेड बहुत सारे हैं। तो अटेम्प्ट करते हैं बच रहे हैं, सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं बच रहे हैं। मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि सुसाइड करने गलत है, सुसाइड करना, सुसाइड करने के बारे में सोचना भी गलत है, हराम मौत के बारे में सोचना गलत है। अगर आप सुसाइड के बारे में आप सामना कीजिए, फेस कीजिए, कानून है ना, हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन आप तैयार हुई है, आप लोगों के साथ में खड़े हो रहे हैं, आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। आप सुसाइड अगर कर रहे हैं तो बुजदिली का मुजाहरा हो रहा है, हराम मौत है। मैं तमाम जितने भी मेरी बहनें हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि सुसाइड के बारे में मत सोचिए, हराम मौत के तरफ के बारे में सोचना भी गुनाह है। तो आप लोग मजबूती से लड़िए, पेमेंट है, देर दुरुस्त होती है, देंगे आज नहीं कल देंगे, लेकिन देना है, देना दीजिए, आप ये नहीं देते बोलकर मत फिरिए। आप लोगों का भी स्टैंड क्लियर रहना चाहिए, हमारे को प्रॉब्लम है,
हम अपने हिसाब से वो विजय माल्या है, हजारों करोड़ रुपए लेके जाते हैं उसको पकड़ने के लिए बैंकों के पास, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास दम नहीं है। गरीब जो है 40-40 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए लिए तो रिकवरी एजेंट को जाकर वहां पर जूम करते हैं। कई करोड़पति यहाँ पर इंडिया में, अच्छा कई करोड़पति जो लोन लेकर बैंकों के लोनों को डुबाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये गरीब है, इनको क्या है, इनकी इनकी जिंदगी और मौत से उनको कोई परवाह नहीं है। आज औरत जो है सुसाइड भी करती है, उनके घर वाले भी सुसाइड करते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे इंडिया छोड़ के, गुलबर्गा छोड़ के गुजरात चले जा रहे हैं, बॉम्बे चले जा रहे हैं, हैदराबाद चले जा रहे हैं, गाँव को चले जा रहे हैं, घर बदल रहे हैं, खाली ये खौफ में कि ये लोग आएंगे, ये लोग आएंगे। यूँ आए तो क्या करने वाले हैं, 7 बजे सुबह 8 बजे से 7 बजे के दौरान अगर आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं तो इज्जत से घर को आ रहे हैं तो ठीक है, अगर उन्हें बदतमीजी से पेश आ रहा है तो किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अंदर कमरे में जाना, फोन करना, पुलिस स्टेशन को कॉल करके आप इत्तला कीजिए, या मैं बोले तो हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग अगर नंबर आपको दे रहे हैं तो उनके नंबर पर कॉल कीजिए, वो पुलिस स्टेशन जाकर रिप्रेजेंटेशन देंगे और कंप्लेंट करेंगे। और वहां पर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, एक फ्रस्ट्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, दिमाग में यही चीज नहीं रखना कि अरे सुबह में आते हैं कि वो लोग शाम में आते हैं कि ऐसे हो रहे हैं। क्योंकि मेरे पास एक 15 दिन पहले 10-15 खवातीन मेरे पास रात में 12-12:30 1 बजे मेरे घर पे यहीं पर ये ऑफिस में आए थे, वो लोगों की मैं बातें तमाम सुना हूं। देखने के बाद मुझे ये नया मामला नहीं है, कई सालों से चल रहा है, और ये सिर्फ गुलबर्गा में भी नहीं है, ये पूरे इंडिया में यही हालत है। तो वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसके ताल्लुक से गाइडलाइंस बनाते हैं, कानून बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वही कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कितने दिन तक कोशिश करेंगे, 1-15 दिन करेंगे, 6 महीने करेंगे, साल करेंगे, लेकिन ये सिस्टम खत्म होने वाला नहीं है। फिर वो लोन देने के लिए आएंगे, हमारे पास लोन लेने के लिए तो लोगों की कमी नहीं है, लोन लेते ही रहेंगे, ये सिस्टम ऐसा चलता ही रहेगा। लेकिन आप लोग तैयार होना चाहिए, हम जो है यहाँ पर अपनी ताकत अपने इस्तेताज के मुताबिक हमको काम करना है। अगर उसको छोड़ के अगर हम बियॉन्ड अपनी ताकत से अगर हम काम करेंगे बोलो तो हम परेशान होंगे। हमको पहले यहाँ पर जितनी हमारी इनकम है, जितनी हमारी ताकत है, उसके हिसाब से आप लोन लीजिए। मैं खाली उनको बैंक वालों को भी नहीं, हमारे बहनों से भी कहना चाहता हूँ, हम भी गलत कर रहे हैं, हमको भी हम भी जो है सोच समझ के कदम उठाना।